श्रुति लेके आ रही है हैप्पी टीचर्स डे। बहुत पसंद था yeah. देखे थे हाथ से नहीं हाथ से लोग देखिए क्या कर रहे हैं। गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू खुशीनू ब्लॉग। तो गाइज हम लोग आज स्वागत करते हैं आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग हमारा शाम में शुरू हो रहा है क्योंकि आज है टीचर्स डे, और टीचर्स डे में आपको पता है कि हमारे घर में एक टीचर स्टूडेंट भी रहती है, जो उसमें स्टूडेंट मैं हूँ और टीचर भैया है। तो काफी लोगों को पता भी होगा ये चीज, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता होगा कि मतलब मेरी शादी से पहले जब मैं देवसंग में पढ़ती थी तो 11th 12th में भैया मेरे इंग्लिश के टीचर थे और वो हमको पढ़ाए हुए भी है। तो सबसे पहले तो हम इस घर में भैया को ही जानते थे टीचर के रूप में, तो इसीलिए तो उस समय से मेरी शादी के बाद भी हर टीचर्स डे हम उनके लिए स्पेशल करते हैं। आप लोग मेरा पिछला ब्लॉग भी देख सकते हो टीचर्स डे वाला, लेकिन इस बार हम ज्यादा स्पेशल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके दो रीजन है। पहला रीजन कि हम लोग अभी रिसेंटली तारापीठ से आए हैं, तो सारे लोग थोड़ा होता है ना ट्रैवलिंग के बाद थोड़ा एग्जॉस्टेड रहते हैं, और दूसरा रीजन ये है कि ये दोनों भाई जिम कर रहे हैं तो ये लोग थोड़ा डाइट पे हैं अभी, तो कुछ भी खाते नहीं है अननेसेसरी चीज, इसीलिए हम इनको बाहर रेस्टोरेंट में पार्टी नहीं दे सकते हैं। तो हम लोग घर पे ही छोटा सा टीचर्स डे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और ये भी भैया को नहीं पता है, उनका तो मूड खराब था सुबह से ही कि कोई मेरे लिए स्पेशल नहीं कर रहा है टीचर्स डे पे। तो होप कि अभी शाम में जब वो जिम से घर आएंगे तो उनका मूड थोड़ा अच्छा हो जाएगा कि चलो एटलीस्ट एक स्टूडेंट तो है जो उनको अभी तक याद रखी है एंड उनके लिए कुछ स्पेशल करती है टीचर्स डे पे। अनु का भी मूड ऑफ है आज, ये देखिए अनु का मूड ऑफ है इसे ना नींद नहीं आ रही है इसीलिए ऑफ है। तो भाभी का भी मूड थोड़ा अपसेट था और तबीयत भी उनका ठीक नहीं है, तो बोली कि नहीं नहीं तुम भैया के लिए करो, ठीक है हम अभी आयांश को पढ़ा लेते हैं। तो भाभी आयांश को पढ़ा रही है, तब तक हम जल्दी से थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लेते हैं, फिर वो लोग भी आ जाएंगे। हाँ ना, तुम मेरी मदद करोगे ना? हाँ अनु अनु तो गाइस मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दिया और अभी वो लोग भी आ गए हैं, और अभी जल्दी से आपको डेकोरेशन दिखाते हैं। महादेव कृपा बरसाए आप लोगों पर, आप लोगों पर मैंने किया है बस, जिन्होंने अपने गुरु को इतना सम्मान दिया है, महादेव अपनी कृपा हमेशा बनाए रहे। तो और कैसा लगा आपको बताइए? बहुत अच्छा। बस आप जिस गेस्ट को हम लोग बुलाए थे बस वो गेस्ट नहीं आया, दीदी लोग अद्भुत गेस्ट पीछे रह गए और विक्की भी ऊपर चले गए, मतलब नहाने के लिए चले गए। अच्छा, तो वो भी चेंज करके आ रहे हैं, चेंज करके नीचे आ रहे हैं, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम शुरू किया जाए। चीज का पॉइंट रखी, बहुत बढ़िया। और श्रुति हमको भी बोल रही थी कि आप अभी आप भी रेडी हो जाए, बट आप लोगों को पता ही है थोड़ा ट्रैवलिंग से आए थे तो थक गए थे, तो हम बोले तुम्हारे जो मेन गुरु है, वैसे तो श्रुति क्यों कर रही थी हमको पता है, श्रुति के नजर में हम भी उसके लिए टीचर ही हैं। सही बात है, इसलिए श्रुति बहुत प्रेशर दे रही थी, बाद में उनको समझ में आया।
क्योंकि एक होता है ना सारा चीज, बहुत सारा सामाजिक ज्ञान भी होता है जो आदमी सीखता है लोगों से, तो वो बहुत सारा चीज हम सीखे हैं भाभी से, जेन्युइनली सीखे हैं। तो इसीलिए सुनती वो कह रही थी, लेकिन बाद में समझ आया, तो मेरे तरफ से ऐसे ही आशीर्वाद। लेकिन मैं अभी कपड़ा चेंज करने का आसकत से नहीं चेंज की, थक गए थे ना इसीलिए थोड़ा सा। तो कैसा लगा भैया को? तो उम्मीद नहीं था कि टीचर्स डे मनेगा। उम्मीद नहीं था, अच्छा लगा। अच्छा, नाराज भी थे? आजकल के बच्चे तो होते हैं ना, ग्रेटिट्यूड नाम का चीज नहीं होता, कर्टसी, मैनर, एटिकेट आजकल के स्टूडेंट्स में नहीं होता है। ये सब पुराने स्कूल में मस्ती के लिए लोग टीचर्स डे मनाते हैं बच्चों को। हम जो देख रहे हैं, मेरा 16 से 17 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, बहुत गिने चुने ही स्टूडेंट्स ऐसे लाइफ में होते हैं जो कि कदर करते हैं टीचर्स का, जिसमें से एक श्रुति भी है, इसको भी हम पढ़ाए हैं जब ये देवसंग में थी, तो प्लस टू में इंग्लिश हम ही पढ़ाते थे इसको, तो आज भी इस चीज का है, कदर करती है, गुरु मानती है, और जब से आई है घर में तब से मना रही है। हाँ, जब से आई है तब से मना रही है। संस्कार बहुत कम ही, मेरे करियर में तो बहुत कम ही स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, उसमें से एक मेरी श्रुति भी है, घर की मेंबर भी और मेरी स्टूडेंट भी है, मेरी छोटी बहन जैसी भी है, तो हमेशा भगवान का आशीर्वाद बना रहे। तो गाइस सारे लोग आ चुके हैं घर में, ये देखिए दीदी, जीजाजी, अंकु, टप्पू, टूटू, ये दोनों भाई, और ये रही भाभी, सारे लोग आ रहे हैं। तो अब कोई भी चीज सेलिब्रेट करने में मजा आएगा, क्योंकि ज्यादा लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है, फैमिली सारे रहते हैं। तो हमारी दीदी जो है हम लोग के पास वापिस आ गई है, आ चुकी है, हो चुका है। एक्चुअली दिल्ली का वेदर इनको सूट नहीं किया, वहाँ का टेम्परेचर नहीं सूट किया, और बीमार हो गई थी बहुत, इसी वजह से हम लोग इनको वापिस बुला लिए। अब ऐसे भी दीदी रहे तो हम लोग को मन नहीं लगा, मजा तो बहन का देखिए ये आंख चक्कर उक्कर खा के गिर गई थी, इसीलिए वहाँ रहना इसके लिए सेफ नहीं था, क्योंकि बीमार पड़ चुकी थी काफी। वहाँ का वेदर तो आप लोगों को पता ही कितना, मतलब इस बार जो हम कचड़े का पहाड़ जो देख के आए थे, तो हम उसी समय बोले थे कि ये तो बहुत ही सूट नहीं करेगा। अच्छा, देवघर में रह लिया है ना, उसको बाहर नहीं सूट करे, आना भी छींक दी छतन जी। तो कैसा लग रहा है आपको देवघर आके? लग रहा जान में जान आ गया। चलो टूटू को भी एक पार्टनर मिल गया, और अंकु को बहुत फीवर था, इसका भी चेहरा से लग रहा है कि अंकु को बहुत फीवर है, तो और हालत खराब है, हम लोग बीमार पड़ गए पूरी तरीके। यहाँ पर रेडी कर रही है, पार्टी कर रही है, श्रुति लेके आ रही है, हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी टीचर्स डे टू यू। ये आबू आबू करते हुए कंपनी है, आबू आबू कर रही है। देखिए हमारे घर में स्टूडेंट रहे ना रहे, टीचर्स डे सेलिब्रेशन बंद नहीं होना चाहिए। यस, सही बात, ये एक बहुत पहले से हमारे घर में सेलिब्रेट होते आया है। हाँ, तो ये प्रथा हम कायम रखेंगे जब तक जिएंगे। जय हिंद, जय भारत। जाए केक कटिंग, जैसे लग रहा है कि आप भी जाइए बगल में, आप भी चल जाइए बगल में। अरे टूटू तुम भी चल, जो होता है उसकी पत्नी से टीचराइन होती है, ये टीचराइन जाइए, आप भी जाइए, आप बीच में चल जाइए, चिट्ठी है, रेडी। Happy Teachers Day to you. Happy Teachers Day to you. Happy Teachers Day, dear bhaiya. Happy Teachers Day to you. नहीं, पेट सिस्टम है, पेट पेट। Happy Teachers Day to you, husband. देखा जाए ना तो इस घर में सभी को भैया पढ़ाए हुए हैं, इवन दीदी को भी। मतलब नोट्स हेल्प में हेल्प करते थे ना नोट्स में। और हमको और इनको तो साक्षात पढ़ाए हैं, भाभी और दीदी को नोट्स देते थे। लेकिन पढ़ाए तो कैसे, सही बात, बहुत ऐसा नोट्स कॉम्प्लेक्स भी रहता। अच्छा, क्योंकि भैया तो खाएंगे नहीं, तो आप ही को खाना है।
क्या हुआ भाई साहब? ये भाई साहब को क्या हुआ? हम रूस गए। इनको केक दीजिए, केक दिया जाए। नहीं हल्का से बस मुंह में लगा लीजिए। भैया को भी खिलाइए थोड़ा सा ऐसे ही मुंह में। चलिए भैया फिर भी टेस्ट कर लीजिए। ये जो पूरा केक है इस पे लूट पड़ेगा तीन आदमी। यस मेरा टूटू और दीदी का फेवरेट है ये। अंकु का भी, अंकु का भी केक वगैरह सब कुछ हो गया। आप करेगी श्रुति गिफ्ट देना चाहिए। गिफ्ट दे देना चाहिए सही बात। इसी चीज का देखिए 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 मुंह देखिए। श्रुति दे दो गिफ्ट जिसका इंतजार है। हाँ दे दो। हैप्पी टीचर्स डे। ऐसे रहना वैसे रहना वैसे रहना। हाँ ये पोज बहुत जरूरी होता है। और अब भैया एकदम उतावले होते हुए देख रहे कि क्या है इसके अंदर। बहुत सुंदर प्यूमा का टी शर्ट है गाइस। ये टी शर्ट हमको बहुत पसंद था। यस देखे थे एंड थैंक यू फॉर द गिफ्ट। बहुत खूबसूरत है। और ये लग रहा है जिम को देखते हुए लिया गया है मद्देनजर रखते हुए। खोल के देखिए। यस यस यस। नहीं वैसे भी भैया को ब्लैक एंड व्हाइट कलर ज्यादा पसंद है इसलिए व्हाइट कलर कर दिया है। हाँ बहुत अच्छा है और ब्रांडेड भी है ना तो थोड़ा बहुत अच्छा है। एक नंबर है। वो सुंदर है। तो चलो आप तो गिफ्ट में मिल गया लेकिन गिफ्ट के बाद कुछ होना चाहिए। अभी भटक रहा है ये आदमी भटक रहा है। इनको अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। इनको खाना का चाहिए इनको। शॉर्ट सा गेम होगा ठीक है। बहुत दिन के बाद दीदी आई है तो थोड़ा हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो एक शॉर्ट गेम होना चाहिए। सब होगा बस शॉर्ट गेम। सबसे पहला गेम भैया और इनके बीच होगा। सेकंड गेम दीदी और जीजा जी के बीच में होगा। थर्ड गेम बच्चा पार्टी के बीच में होगा ठीक है। बहुत शॉर्ट शॉर्ट हारेगा उसको गाना भी गाना पड़ेगा। आप कोशिश करिएगा जीत जाए क्योंकि हम लोग इस बार जीजा जी से गाना बनाते हैं। क्या कर रहा है राहुल? कुछ निकाल रहा है। इसमें कुछ ये दो बलून ठीक है। ये दो बलून दो बंदे को दिया जाएगा। इसे फुलाना है और फुला कर आपको उसको गिराना है। डेमो करके दिखा दीजिए ठीक है। जैसे इसको फुलाना है और गिराना है। फुलाना है गिराना है जितना दूर जितना जल्दी गिरा सकते। जैसे बलून को फुलाना है उसका हवा। तो वह तो ऐसे भी कर सकता है ना। तो ये आप समझ गए इसका क्या करना है। फुलाना है आप दोनों को और गिराना जो जल्दी गिराएगा उसके लिए गिफ्ट है। बहुत स्पेशल गिफ्ट। अरे तो आप दोनों कीजिए ना। नहीं नहीं हम दोनों टीचर टीचराइन टीचर टीचराइन टीचर टीचराइन रेडी टीचर्स में अब क्या करना है? जो हारा है नहीं नहीं जो हारा है वो गाना गाएगा। जो जीता है उसको प्राइज मिलेगा। सबसे पहले जीतने वालों के लिए गिफ्ट लाया जाए ठीक है। कैमरा जो है इनके तरफ रखिएगा। हेल्थ कॉन्शियस आदमी है इसीलिए हमको डेट्स मिला है क्योंकि एक महीना से नहीं 6 महीना से इसमें कीड़ा लगा हुआ है। हदर पदर टिड्डू है। नहीं झूठ बोले हम आपको खोल के दिखाते हैं। खरीद के लाए खरीद के लाए। देखिए बहुत टेस्टी है बहुत अच्छा है। देखिए है देखिए है ना बहुत सुंदर। अच्छा ये ड्राई हो गया है। अरे व्हाइट व्हाइट का है उसमें तो ये ड्राई हो गया ना। देख रहे देखिए तो खाना भी होगा दोनों खा पी। अरे देखिए एक्चुअली हम सोचे थे कि आप दोनों के बीच गेम होगा ना तो आप लोग कुछ खाते हैं नहीं चॉकलेट वगैरह तो इसीलिए हम डेट्स लाए थे कि आप लोग का डाइट भी खरीदा हुआ है। इसका मतलब बट ये लोग चेंज कर दिया जो आदमी था। ओवरऑल तो ये भैया या तो आपको जाता या तो विक्की को जाता लेकिन मिल गया। घुर के घर में ही आ गया ठीक है।
आज कलिया इस बार जिम में भी बजा रहे थे आज कलिया और मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा तुझे सूरज कहूँ चंदा तुझे चांद तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा वेरी तो गाइज यहाँ देखिए सेटअप लग चुका है। अब दीदी और जीजा जी के बीच में हो रहा है कंपटीशन, सेम कॉम्पिटिशन, तो देखते हैं कौन जीतता है। हाथ से नहीं, हाथ से नहीं। जीजा जी को दिया जाए, जीतने वाला के लिए यही मिलेगा। अरे अब हारने वाला का क्या, खाना हो रहा है इनका, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मिजाज में गाने का, मिजाज में गाना गाने का कोई टेंशन नहीं। गाइए रेडी वन रेडी। एक मन था मेरे पास, ओह अब खोने लगा है, आकर तुम्हें हाय मुझे कुछ होने लगा है। ओह एक टकला को एक तेरे भरोसे से सब बैठी हूँ भूल के मन में तू ही मुस्काए मेरा समोसा खाए रुक जाओ ready steady start ए फुला के फुला के गिरा ना फुला ए हाथ से नहीं टुटू ए टुटू जीत गया यहां बच्चों के बीच में मार हो गए इस कंपटीशन के बीच में जीत गया जीत गया हां गिरा दी एडी टप्पू अंकु का ठीक अंकु करो करो अंकु करो करो अंकु 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 जीत गया अंकु जीत गया ये अंकु जीत गया अंकु जीत गया अंकु जीत गया उनका जीत। गाइस एक्चुअली क्या हुआ ना, गेम्स हम लोग ने बहुत सारा रखा था बट इन लोग को यही गेम बहुत अच्छा लग गया तो ये बोला कि सब यही गेम खेलेंगे तो इसीलिए अब यही गेम होगा। श्रुति को टेंशन आपको जबरदस्ती बिठा दी क्या, हम कल बुलाना ही नहीं आता, देखिए फुलता ही नहीं मेरे। देखो जितना फुला जितना फुला ओ हल्ला नहीं हल्ला नहीं। रेडी श्रुति वन टू थ्री स्टार्ट। अंकुश देख लिया दिया सा लोग देखिए क्या कर, वाह 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 क्या शॉट मारा, टुटू का उड़ गया। चलो देखते हैं कि कितनी जल्दी कौन फोड़ सकता है। रेडी स्टडी सेट देखो फटाफट फोड़ना है, फास्ट एकदम फास्ट। अरे जुमलो तो दूसरे के घर भेज कौन कितना खोल। चलिए
अब जो तुम लोग फोड़े हो झाड़ू लेके आओ, सबको झाड़ू लगा के कोना में लगा दो। तो गाइज एक्चुअली मैं हम लोग, आपको तो पता ही है कि ये लोग बहुत मतलब डाइट फ्रेंडली खाना खाते हैं, तो इसी वजह से इन लोग के लिए कुछ भी चीज हम लोग नहीं ला सकते थे बाहर का खाना, एंड नॉनवेज भी नहीं खा सकते हैं तो कुछ, क्योंकि आज थर्सडे है, तो इसीलिए इन लोगों के लिए वेज में ही थोड़ा इन लोगों का फेवरेट खाना बनाया। तो अभी दिखाते हैं कि क्या बना है लोग आज खाने में। यही है दल पूड़ी है, वो भी बिना ऑयल के, आलू परवल की सब्जी है और दही है उसमें भी। ये दोनों भाई देखिए सब्जी नहीं खा रहे, बस दही और पूड़ी खाएंगे, जिसमें से पूड़ी में भी ऑयल नहीं है और दाल जो बना था उसमें भी ऑयल नहीं है। तो खाना दे दिए हैं, ऑयल फ्री खाना है, कैसा? ठीक है जीजा जी, कैसा लगा खाना? दही रोटी फर्स्ट क्लास। जीजा जी को हम लोगों ने मिक्स दिया है, ऑयल फ्री भी है और एक्स्ट्रा ऑयल भी है, वो दिखाते कहाँ। ये देखिए रोटी जो है वो ऑयल फ्री है और सब्जी जो है वो ऑयल से भरा भरा है, ऑयल युक्त है। के बाद दीदी का मन था कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, इसीलिए रात को आया है, रात के 12 बजे ये लोग गए हैं और कोल्ड ड्रिंक लेके आए हैं। वाह भाई वाह, देखो सबसे पहला देखो कस्टमर, ये तो सबसे, इसको तो खांसी भी रहे ना तो भी नहीं माने, ये जान दे देगा। और दो डालते जाओ, पकड़ो। कैसा खांसी होगा अंकु, खांस के दिखाना एक बार। अभी नहीं है, नहीं पीते उतना बेटा, ये ऐसा मौसम है ना बाबू, जिसको नहीं भी खांसी उसको भी होने का चांसेस है। ये लोग देखिए कोल्ड ड्रिंक का मजा ले रहे हैं और हम सबको देख रहे हैं अपने कैमरे से। तो अब दीदी अंकु लोग सारे लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, मतलब अपने घर जा रहे हैं, सब एक ही घर जाएंगे। तो गाइस टीचर्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा, और भैया को भी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके? प्लीज। और अब हम लोग का हालत हो गया है खराब, आवाज से पता चल रहा होगा, रात के 12:30 बज चुके हैं, बेड पे जाते जाते 1 बजेंगे, सोते सोते 1:30 बजेंगे, और सुबह फिर आज का स्कूल है। कल इनको भी जल्दी जिम जाना है क्योंकि हमारा जो स्टाफ है वो छुट्टी पे है, और ऐसे तो हमको रोज ही लेट होता है सोने में, आना बेबी के चलते। ऐसे भी 11 बजे सो उठती है क्या? कुछ भी जाने दो, इसको जाने दो, मतलब कहने मतलब आना जब सोएगी तभी तो सुनते सोएगी, सही बात है। तो आना का टाइमिंग सोते है हम 2 बजे हैं, कभी 1 से 2 के बीच में। गाइस अब अपना ब्लॉग करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे एंड, तो फिर आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।